दोस्तों सबको नमस्कार। उम्मीद है आप लोग एकदम मजे में होंगे, चाप के चौचक लहरिया लूट रहे होंगे। दरअसल बनारस में बहुत सी ऐसी जगह है जहां मैं इतने दिनों रहने के बाद भी नहीं गया, वो सब भी आपको ले चल के दिखाएंगे। लेकिन आज चल रहे हैं, आज बारिश का मौसम है और मौसम बड़ा सुहाना हो चला है, तो आज सोच रहे हैं क्यों ना मिर्ज़ापुर जनपद में जो एक वाटरफॉल है जिसका नाम है लखनिया दरी, एक तरह से उसमें पानी बहता है। और चलो खुश रहो। देखिए ये बड़ा अच्छा संयोग है कि इधर से जा ही रहे थे इसके पास, तब तक जो है ये छोटा भाई मिल गया। ये बनारस अभी आए हुए तुमको कितना दिन हुआ है? 8 महीने हो गए हैं इसको बनारस आए हुए। तो लगभग 8 महीने में ये बनारस के बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं गया है, थोड़े बहुत जगहों पे गया है। तो इसको आज मिर्ज़ापुर जनपद के लखनिया दरी को दिखा देते हैं। और अभी दिन के बज रहे हैं, आप देख लीजिए 1:30 बजने वाले हैं और अभी हम लखनिया दरी की तरफ निकल रहे हैं। समय लगेगा, यहाँ रुक कर थोड़ा सा कुछ नमकीन सारी चीज़ें पैक कराने लगे थे जो वहाँ पे खाएंगे। और इधर जो है ये मुरट्ठा उरट्ठा बांध के तैयार हो गए हैं ताकि रास्ते में धूल वूल अगर उड़े तो उससे बचा जा सके। चलो बैठो। और हम लोग लंका से चलने के बाद पहुँच चुके हैं रामनगर। ये रामनगर का आप किला देख सकते हैं और किला से फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अब पड़ाव की तरफ और पड़ाव से सीधे निकल जाएंगे अहरौड़ा और फिर मिर्ज़ापुर वाले उस लखनिया दरी की तरफ। मिर्ज़ापुर यहाँ से 63 किलोमीटर है लेकिन हम लोगों को उतनी दूर जाना नहीं है, हम लोग उससे पहले ही रह जाएंगे जो लखनिया दरी है वहाँ पर। और इधर का मौसम आज बड़ा सुहाना हो चला है। ये देखिए डगमगपुर है, इस डगमगपुर में सब डगमगाते हुए मिलेंगे आपको, गुलाबपुरा में गुलाब जैसे मिलेंगे और सुंदरपुर में। हम लोग अहरौरा की तरफ लखनिया दरी की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते में जो है एक जगह रुके हैं थोड़ा सा मुंह धोने के लिए। अब रास्ते में कहीं इधर थोड़ा सा तो वीरान है लेकिन बीच रास्ते में कहीं कहीं दुकानें भी हैं पानी वानी लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ज़मीन से खेत को पटाने के लिए पानी यहाँ पे गिर रहा है, तो क्यों ना सोचे कि यहीं पे थोड़ा मुंह धो लें। हालांकि ये पानी बहुत ही फ्रेश है, आप इसको पी सकते हैं। देखिए हाथ वाथ एकदम पूरा काला हो गया था, हालत ख़राब हो गई है इतनी स्पीड में आते आते। पानी में एक अलग ही मिठास है क्योंकि ये बोरिंग हुआ है तो ये बहुत अंदर तक बोरिंग हुआ है और इस पानी में मिठास, और आप एकदम खेतों के बीच में जब आएंगे तो इतना मज़ा आएगा जिसका अंदाज़ा लगा पाना ऐसे बड़ा मुश्किल है आप। और ये ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है क्या बताया जाए, एकदम लंबी थकान के बाद अगर कहीं पे इस तरह से पानी मिल जाए और आप जो है उसके किनारे इस तरह से खड़े हो जाएं तो वो एक बड़ा मज़ेदार अनुभव होता है। थोड़ी देर हम लोग इधर बैठते हैं। आइए ये देखिए इसमें कुछ खाने की चीज़ें ले लिए हैं, बैग में भी खाने की चीज़ें ले लिए हैं। थोड़ी देर यहाँ पे 10 मिनट आराम करते हैं फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। क्या मज़ेदार यहाँ हवा चल रहा है, बैठ जाओ तुम भी, आओ बैठो। हम लोगों को सफ़र पे पहुँचने की बहुत मंजिल पे पहुँचने की बहुत जल्दी नहीं है कि एकदम तुरंत जाएं और तुरंत पहुँच जाएं उड़ के, क्योंकि सफ़र का मज़ा लेना चाहिए। मज़ेदार सफ़र होता है, रास्ते में एकदम आप रुकते पड़ते खेलते कूदते जाइए आनंद लेते जाइए, वो जितना मज़ा आएगा आपको उतना जल्दी पहुँच के मज़ा नहीं आएगा। क्या लगता है तुमको कि जल्दी पहुँचना चाहिए कि रुकते पड़ते जाना चाहिए? देखते सुनते या चीज़ों को देखते हुए जाएं, जब बाहर निकले तो थोड़ा इन्जॉय करते हुए और चीज़ों को देखते सुनते हुए जाना चाहिए, है कि नहीं? तो अभी मैं अपना मुंह हाथ धो के आ गया, अब इसको भी भेजता हूँ, ये भी अपना मुंह हाथ धोएगा, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। हम लोग लखनिया दरी की तरफ प्रवेश कर चुके हैं, देखिए कितना हरा भरा रास्ता है। हालांकि जब गर्मी का दिन होता है तो ये सब पेड़ पौधे सारी झाड़ियाँ सब सूख जाती है, लेकिन अभी बरसात का दिन है तो अभी देख लीजिए ये सब पूरा हरियाली आपको चारों तरफ बिखरी पड़ी मिलेगी। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं मिर्ज़ापुर के लखनिया दरी में, और यहाँ पे आने के लिए जो है बाइक वाइक के पार्किंग के लिए 20 रुपये का यहाँ पर्ची कटता है, क्योंकि पहले ये सब पर्चा वर्चा वाला सिस्टम नहीं था लेकिन अब जो है ये पर्चा वर्चा वाला सिस्टम हो गया। हो सकता है भीड़ भाड़ को देखते हुए ये सब चीज़ें की गई होगी। ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, हालांकि अभी ये पानी तो बड़ा मटमैला है, लग रहा है बाढ़ का पानी है, लेकिन पहले बड़ा सफ़ेद पानी था। आए हुए काफ़ी 4-5 वर्ष हो गए, अरसे बीत गए, लेकिन कैसे है भुट्टा? 10 रुपये ऐसा कर दूठे भुट्टा दे दू। ठीक है, और हम लोग इधर भुट्टा खाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे शुल्क है क्या? शुल्क है क्या इसका भी? सुरक्षा व्यवस्था का अब जो है यहाँ पुख्ता इंतज़ाम है, आप पहले की तरह अब यहाँ आके कुछ भी उदंडई नहीं कर सकते हैं,
सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे 5-5 रुपए का टिकट लेना होगा, उसके बाद जो है आप अपने सामान को जो है चेक भी करवाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग शराबी लोग भी आते हैं और शराब और आप पी के उधर उपद्रव मचाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी समस्या का विषय बन जाता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ प्रशासन जो है पूरा मुस्तैद है और आपको जो है पहले सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना होगा, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। लोगों को देख लीजिए किस तरह से वहाँ पे नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पहले इन सब जगहों पे जो है जब पहले आता था तो यहाँ पे लोग अपना गैस सिलेंडर और तरह तरह की तमाम चीज़ें लेकर आते थे और फिर यहीं पे खान पान करते थे, बनाते थे, सारी चीज़ें करते थे। लेकिन अब जो है ये अलाउ नहीं है, सरकार की तरफ से यहाँ पे जो है आप पाबंदी लग गई है। आप अपना खाना खुद से ले आकर यहाँ बना सकते हैं, अपना खाना खुद से ले आकर यहाँ जो है आप खा सकते हैं। ये तो पहले लोग बनाते थे, अनुमान हर जगह बनवाते थे, दिखता था बना रहे हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं है। आओ यहाँ देखिए चेतावनी भी लिखा है, आवश्यक सूचना चेतावनी, आगे सघन वन क्षेत्र है, वन्य जीवों से जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आप संभल के जा सकते हैं, संभल के कर सकते हैं सारी चीज़ों को। चेतावनी दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन चेतावनी जल्दी लोग मानते नहीं हैं, नहीं मानने के बाद नुकसान हो सकता है, तो संभल के आइए। लोगों को नहाते हुए आप देख सकते हैं, लोग किस तरह से जो है यहाँ आनंद लेते हैं। लोग कुछ उल्टा पुल्टा ना करें इसलिए वहाँ पे जो है पुलिसकर्मी भी आपको दिख रहे होंगे दूर में। दोस्तों इच्छा तो मेरी भी थी नहाने की, लेकिन मैंने ये पढ़ा कि जल में नहाना पूर्णतः प्रतिबंधित है और यह जानलेवा हो सकता है। प्रतिबंधित नहीं लिखा है, पूर्णतः प्रतिबंधित लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहा रहे हैं। देखिए वहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हैं और यहाँ पे नहाने वाले लोगों को डांट रहे हैं कि जल्दी से निकलो, जल्दी निकलो वहाँ से, सीटी बजा बजा के थक जा रहे हैं, लेकिन ये लोग निकल नहीं रहे हैं, आदत से लाचार हैं, डंटे खा के मानेंगे लग रहा है। लोग वहाँ से चलने के बाद लंका से जो है वहीं पे जो कुछ खाने के लिए पैक कराए थे उसमें ये बाटी चोखा और उसमें मिठाई, क्योंकि अब यहाँ पे बनाना अलाउ भी नहीं है, तो इस वजह से जो है हम लोग वहीं से पैक करा के ले आए। तो दोस्तों यही है लखनिया दरी और आप देख सकते हैं इस दर्रे से किस तरह से पानी जो है धीरे 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 बह रहा है। पानी का अभी जो रंग है वो बड़ा मटमैला है, क्योंकि बाढ़ आ जाने की वजह से पानी और बहुत सारा छोड़ा भी गया है, तो जिसकी वजह से इसमें बहाव जो है अभी थोड़ी तेज़ हो गई है और शाम के वक्त जो है पानी का बहाव अक्सर तेज़ हो जाता है और लोगों को कहा जाता है कि आप शाम के वक्त इसमें तो ना ही नहाइए। हालांकि यहाँ नहाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जाबाज ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो इसमें लहरिया लूटना चाहते हैं, इसमें कूदते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और भी कुछ कर देते होंगे, कुछ ना कुछ तो छोड़ भी देते हैं, इस सोचते हैं कि आगे वाले तक पहुँच जाएगा, इसीलिए इस सब चक्कर को सोच के भी मैं नहीं नहाया। हालांकि नहाना तो मैं चाह रहा था कि पहले नहा लेते हैं उसके बाद खाएंगे, लेकिन फिर जब देखा कि यहाँ पे नहाना पूर्णतः अभी प्रतिबंधित है और पुलिस के बहुत सारे जवान भी लगे हैं, आके बोल भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने थेथर हैं कि थेथरलॉजी करने से बाज नहीं आते हैं, घुस जाते हैं, सीटी दे रहे हैं, हुसिल दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे गजब गजब कलाकार हैं लड़के सब। हम लोग तो अब खा पी लिए हैं, अब खा के जो है बाहर की तरफ चलते हैं और देख के बड़ा आनंद आया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, लेकिन छोटे भाई के लिए ये सब चीज़ें नई थी, तो वो देखा कैसा लगा तुमको देख के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। इसी तरह का पहाड़ वहाड़ था, इसको हम लोगों ने बताया कि पहले आते थे तो यहीं पर जो है गैस वैस ले के आते थे, कुछ ना कुछ पुआ पकवान या ये सब चीज़ें बना लिया करते थे इधर, बाटी चोखा और भी अलग अलग चीज़ें, फिर अपने दोस्त यार के साथ नहाते थे, फिर नहाने के बाद खाते थे। आप भी कभी बनारस आइए तो बनारस से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर ये मिर्ज़ापुर में ये जगह है लखनिया दरी, इसको देख के आपको भी बड़ा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। यहाँ आएंगे तो पानी के बीच में और पानी के किनारे आप खुद को पाएंगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। हाँ, अभी जो आप देख रहे हैं ये सब सारे पुलिसकर्मी जो भी जा रहे हैं, ये लोग देखने जा रहे हैं कि अगर उधर और कुछ लोग बचे हुए हैं या सारे लोग निकल गए हैं। हाथ हिला दीजिए आप लोग। तो दोस्तों अब जो है हम लोग यहाँ लखनिया दरी में पूरा घूम चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, समय जो है यहाँ 2-3 घंटे दे दिए। तो कैसा लगा तुमको घूम के ये बताओ? बहुत अच्छा लगा, नया जगह है, पहाड़ी जगह है, थोड़ा पहाड़ी जगह है, बढ़िया लगा, मतलब ठीक ठाक ही है जगह, अच्छा है,
आप आइए तो बनारस आने के बाद जो है यहाँ 1 घंटे की दूरी 1.5 घंटे की दूरी पे है, तो इसको घूम सकते हैं। ये सड़क भी आपको एकदम पूरी सुनसान दिखेगी और बहुत ही मज़ेदार सड़क है। हम लोगों ने यहाँ पे रुक के काफ़ी 2-4 फोटोज़ वगैरह भी बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे क्लिक किए ताकि ये याद के तौर पे भी रह जाए। दूर की अच्छी लग रही है। कहाँ चाची? अरे आशीर्वाद तू देबा कि हम देव आशीर्वाद? आशीर्वाद तू ना देबा का चाही? ई चश्मा चाहिए तो के? अरे देखा चाची, ये देखिए, ये तो कह रहा है कि चश्मा चाहिए हमको। अरे भाई चश्मा दूसर के है, जेकर है वो हमके मारी। बताओ ये तुहार पोता है? तुहार नाती है? आई तुहार पापा नहीं है? अरे बाप रे, नहीं ठीक है, चश्मे मांगा था हमारे तुरंत तोड़ दे चश्मा मत दिया। नहीं चश्मा नहीं देव तो के देखे, तुहार नानी कहा था कि एक लड़का, इनकी नानी कही कि जो है कोई एक आदमी चश्मा इसको दिया था, तोड़ दिया, तुरंत तोड़ दिया था। कौन तोड़ दिए? यही कुल तीनों सब तुम्हारे दोस्त हैं? मारा बब्बा लेकर डंडा पीटा। चलो एक तो तुम लो, लो तुम भी लो, ये तुम लो, तुम लो, लो। हो गया ना, मजे में हो ना? एक ठे और दे दे, हम भी खा ले। लगा कि हमारा तरफ से तू भी खा थोड़ा। अरे खा चाची, नहीं नहीं थोड़ा सा खा। अरे ऐसा ऐसे कैसे नहीं खा? आजाद रह, लाल ना ना खा, कमी ना हो तो सबके आशीर्वाद रही तो सब ठीक हो जाए। खा, कमी ना हो तो फिर लाल। अरे बस खाए दे रे, खाए दे रे। ले ठीक है, आनंद में है, मजे में। क्या नाम है तुम लोगों का, नाम बताओ? राहुल। तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम क्या है? खरबत्तू। खरबत्तू, देखिए आप राहुल का नाम जो है लोग खरबत्तू रखे हैं। उनका नहीं तो इसका खरबत्तू नहीं, इसका खरबत्तू राहुल नाम है। खरबत्तू राहुल। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? आशीष। तुम बताओ इसका क्या नाम है? बत्तू। आशीष। आशीष, तुम्हारा नाम क्या है? विकास। विकास, तुम्हारा नाम? ये देखो ये क्या रगन। तुम्हारा नाम क्या है? सुहानी। देखिए एक सुहानी आए मिल गई, सुहानी मेरी बहन का भी नाम है, बताइए क्या बात है। अरे चाची ऐसा ना, देखो कैसा आशीर्वाद देते हैं कि ब्याह हुए। ना 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 ना, ये सब आशीर्वाद मत दा, आशीर्वाद दा कि फले फूले, ब्याह हो ही मत आशीर्वाद दा। लो ये भी तुम लोग खा लेना, चलत है अम्मा आशीर्वाद दा, ठीक है? चलो फिर आई कभी तो तोसे जरूर मिलब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह प्यार देते रहिए और चाप के देखते रहिए और आप लोग भी लहरिया लूटते रहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट, लव यू।